स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा पुलिस RJ19 पर। आज अपन बात करते हैं CET में कितने गुणे वालों को पास करेंगे। तो अभी जैसे CM साहब दिल्ली गए थे, तब वहाँ के बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भरत बनीवाल, उन्होंने CM साहब को एक ज्ञापन दिया था। उसमें ये बताया था कि भाई CET में कम से कम आप 40% जिसके नंबर आ रहे हैं उनको पास करो, ताकि सभी को मौका मिले। और उन्होंने ये भी बोला है कि भाई आपने 1 लाख जो भर्ती की घोषणा की है, तो उन 1 लाख भर्तियों का जो विज्ञापन है वो भी जारी करो, और जो 40% अंक के पात्रता वो उनको रखो, क्योंकि इसमें सभी को मौका मिलेगा। नहीं तो फिर टॉप 15 गुना में जो लड़के आएंगे वो सभी भर्तियों में वही फॉर्म भरेंगे, तो उसमें जो है पोस्ट है खाली रहने के भी चांस ज़्यादा है और सभी को मौका नहीं मिलेगा। तो इन्होंने देखो CM को दिल्ली में सौंपा नई भर्तियों के लिए ज्ञापन। राष्ट्रीय बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भरत बनीवाल, इन्होंने वहाँ पे बोला है कि भाई आप जैसे अपने जो 1 लाख भर्ती उसका भी विज्ञापन जारी करो, 40% जो है वो अंक प्रावधान करो। उसके अलावा जैसे अपने राजस्थान में एक राधे मीणा नाम से है, उन्होंने भी जैसे ये मांग उठाई थी, और उन्होंने CET में 15 गुना फॉर्मूला का विरोध किया, और 40 अंक जो जिसके आ रहे हैं 40% अंक उनको पात्रता माना जाए। बेरोजगार की मांग का 15 ना के फॉर्मूले से एक ही अभ्यर्थी को बार बार मिलेगा मौका। मतलब इन्होंने बोला है कि अगर जैसे आप 15 गुना पास करोगे, तो उसमें जो टॉप जो 15 गुना में आएंगे उसी उन्हीं अभ्यर्थियों को हर भर्ती में फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, सभी को नहीं मिलेगा। तो इन्होंने भी ये कहा है कि उसी ये भी बताया कि भाई इससे आपकी पोस्ट भी खाली रहेगी और सभी को मौका भी नहीं मिलेगा। और ये बार बार CM साहब जहाँ पर भी जाते हैं, जैसे अभी दिल्ली में गए थे, उससे पहले ये बांसवाड़ा राजसमंद उधर गए थे वहाँ पर भी दिया था, और अब ये चुनावी साल है, तब जैसे मान लो ये बेरोजगार अगर जैसे ये मांग उठा रहे थे, इनको ये करना पड़ेगा। अभी 5-6 तारीख के आसपास जयपुर में बेरोजगारों का एक महासम्मेलन है, उसमें भी CM साहब आएंगे, तो वहाँ पे भी ये मांग उठेगी। तो अब ये लगभग चांस बन रहे हैं कि जिसके 40% अंक है तो उसमें सभी को मौका मिलेगा। जैसे मान लो सभी लगभग राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले हैं, तो उनको भी यही है कि चलो कितना एक बार कंफर्म हो जाए कि कितने गुणे वाले को पास करेंगे, तो वो भी अपनी तैयारी शुरू करें। तो लगभग अब ये चांस बन गए हैं कि 40% वालों को पास करेंगे, और जो पहले जो अध्यक्ष बोर्ड ने बताया था कि 15 गुणों को पास करेंगे, तो वो पहले का फॉर्मूला ये खारिज करके वापस ये निकलेंगे। अभी 2-3 दिन से रेगुलर पेपर में आ रहे हैं, जैसे 15 गुणा के नियम को निरस्त कर मिनिमम 40% अंक प्राप्त करने वाले को पात्र माना जाए, तो लगभग अब 40 गुना वाले हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।